के किसान हैं, क्या वो लोकल लाठी है, क्या वो रिफ्यूजी है बेचारे, अपना एरिया छोड़ के आए हैं, छम्प से लोग जो आए हैं लोग, उनके साथ आज तक सौतला बिहेवियर किया जा रहा है। हमने आज एक मंच पर इकट्ठे होकर किसानों ने, चौधरी मोहन जी हैं नाल, जितेंद्र भगत जी हैं, सारे हमारे साथी हैं साथ, हमने जो फैसला किया है कि ये गूंगी बैरी सरकार जिनके कान तक जूं तक नहीं रेंगती कि किसानों की क्या हालत है, पानी इनके पास नहीं है, ट्यूबवेल इनके पास नहीं है, बिजली के बिल इन पर थोपे जा रहे हैं, इनको हर तरफ से दुखी किया जा रहा है और ना इनको मालकाना हक दिए जा रहे हैं। हम तो मालकाना हक भी नहीं ले सकते, कितने सालों से ये तीन तीन पीढ़ी से लोग यहाँ बेचारे काश्तकारी कर रहे हैं, आज इनको मालकाना हक नहीं दे रहे। इनको जो माल मारी था जो 125 150 200 होता था वो बंद कर दिया, लेकिन जो आवेना है जो बंद था इतने सालों को वो आज रद्द कर दिया। हमारी मैडम बहुत जेन्युइन मांग है, जो जो हमारे लोकल रहते हैं जो जब से देश आ गया ये उसके पहले के आस पर ही गति में है, इनको आज तक माल के हाथ नहीं दिया गया, जो बेचारे इलाके इनको किसी भी नहीं, बच्चे ने कोई बीमार है, कोई बाहर जाना, कोई लोन लेना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, नौकरी आज नहीं, ये बेचारे कहीं जा सकते। दूसरी बात, जो हमारे पैंट के तक रिफ्यूजी आए श्रम सेक्टर से, वो तीसरी सैकड़ अपनी जमीन छोड़ के माल की, जहाँ उनको आज तक नहीं दे दिया, हमें मैं पढ़ी जमीन का हूँ, मगर आज तक किसी सरकार ने इनको नहीं दी। हमारी सरकार से मांग है भाई आप इनको हक दो, चाचा ने कर दिया वो भी इनको किसी को मिली है किसी को नहीं मिली, पर जिसको मिली कम से कम उसको हक दो। उसके बाद जो हमारी बिजली की प्रॉब्लम है वो किसानों को फिर होनी चाहिए, ये बॉर्डर पे निष्काम सेवा करते हैं, गोलियां खाते हैं पाकिस्तान की, फिर भी उस धरती को नहीं छोड़ते, तो सरकार को ध्यान करना चाहिए यार, इतने देशभक्त लोग हैं इनको, अभी हम सुबह बैठे कोई बता दे किसी ने गलत हरकत की है, हम पूरा मन देशभक्त लोग हैं, देशभक्ति से काम करते हैं, हमें कोई वो नहीं, ना हमें किसी पुलिस की जरूरत है, हम रस्त करें। रही बात इसकी किसान निधि, एक मिनट, 2000 किसान निधि का बोलने बंद कर दिया लोकल लाठी करे मालिक को, भाई इसमें मालिक लोकल लाठी का क्या फर्क है, आप किसान की मदद कर रहे हो ना, उसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो सरकार की गलती है, जब बोल ले थे तब दे दिया छोड़ दो, तो कहने का मतलब कि सर गलतियां हमारे साथ, जो रिफ्यूजी सारे आए फॉरेन से, हमके हर हल्के से, उस समय सरकार ने बीजेपी सरकार ने बाधा किया 30 लाख दे, 30 लाख में 5.5 लाख के छोड़ दिया, ये भी गलत है, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, हम लोग काफी देर से 70 साल से बैठे हैं यहाँ, कहने का मतलब बहुत सारी हमारी मांगे हैं, ये इन्होंने 8 सीटें थी हमारी, अब सरकार कहती थी
आज हमें एक सीट जगह बेवकूफ बना दिया। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। मैंने सारे नोट किए, प्राइम मिनिस्टर को लिखा आप ऐसे करना जो लेटर भेजोगे एक कॉपी मुझे दीजिए ताकि उसके ऊपर से कॉपी। तो थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरा आज प्रोटेस्ट है किसान बैनर के नीचे है, और जो कि सरकार हमारे साथ किसानों के साथ बेइंसाफियां करे उनके खिलाफ है। जैसे कि हमारे 65 के रिफ्यूजी 58 साल से पहले भी जम्मू कश्मीर के थे, माइग्रेट होके वो पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से आरसपुरम में आए। उनको 4-4 एकड़ ज़मीन देगी, वो अपनी 30-30 एकड़ ज़मीन मालकी छोड़ के आए, आज तक उनको मालकी हक नहीं देगी। एक किसान निधि 2000 मिलती थी, वो भी सरकार ने बंद कर दी। बिजली हमें देनी रहे, ट्यूबवेल इनके खराब पड़े हैं। जो हमारा बाकी तबका आरसपुरा सब डिस्ट्रिक्ट में रहता है, लोकल लाठी हमारा, जो लोकल लाठी है वो 75-77 साल से ज़मीन को काश्त करे, उसके पहले भी सदियों से, मगर ये सरकारें हमारा हक नहीं दे के राजी। और मुझे बड़े दुख की बात है, जितने भी MLA जीत के गए हर पार्टी के, मैं उनको जुम्मेवार ठहराता हूँ, एक भी हाउस में नहीं बोला, ना पार्लियामेंट में बोला, ना असेंबली बोला। ऐसे निलायकों को गो बैक के नारे लगने, जब गांव में जाए गो बैक के। आप लोगों का कसूर है, मैं इसमें सरकार को कम दोष देता हूँ, मैं अपनी पब्लिक को ज़्यादा देता हूँ। क्यों आप उनके सामने बोले नहीं, आप उनको बादशाह समझ लेते हो? इससे तो हमें राजा महाराज अच्छे थे, ये तो अपने हक अपनी जेबे भर के चले गए लूट के हमारे आरसपुरा की धरती को, एक नवी आवाज़ बनाने की डिमांड हमारी। ऐसा हमारी जमीन है, तारबंदी हुई है, लोकल लाठी को पैसा नहीं, 2000 किसान निधि मिलती थी वो भी बंद कर दी, पर लोकल लाठी है। भाई लोकल लाठी किसान है, उसका क्या कसूर है? आप उसकी इमदाद कर रहे हो, जब बोर्ड लेने हो तब आप दे देते हो, आज आपको बोर्ड की जरूरत नहीं थी, आपने बंद कर दिया, ये दुख की बात नहीं? बिजली हमें देते नहीं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, बिल पे बिल आ रहे हैं, 1-1 लाख 50-50 हज़ार 1.5-1.5 लाख लोगों का बिल है, वो कैसे गरीब आदमी कहाँ से देगा? और पीछे बिल माफ़ होने चाहिए जो भी सरकार ने लगाए हैं, आगे रेगुलर नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। स्मार्ट मीटर बंद होने चाहिए, और मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं 4 सीटें घूम के आया हूँ, 3 किसी में स्मार्ट मीटर लगे। ये आरसपुरा हमारा ये एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी की, जहाँ हिंदू रहते हैं उनका कत्ल किया जा रहा है, यहाँ स्मार्ट मीटर का टेस्ट हो रहा है। भाई ये बंद होना चाहिए, आप मीटर लो, हमें कोई इतराज नहीं, आप बिजली का किराया लो, और बाकी सीटें फ्री दे रहे, आप क्यों दे रहे? किसानों को बिजली फ्री दो, जी हमारी मांग है। और 30 लाख आपने वादा करके बीजेपी वालों ने हमें 5.5 रोक दिया, क्या करें लोग, कहाँ जाएं लोग? अब हम बैठने वाले नहीं। मेरी बात नहीं ला सरकार को, अगर सरकार नहीं जागी, एक भी बोर्ड इस सरकार को मैं पढ़ने नहीं दूंगा, नौशहरा से लेके मैं कठुआ तक रैलियाँ करूँगा। ये आज पहली रैली है, अगली रैली हमारी 9-6 तारीख 9 महीने की 6 तारीख बुधवार होगा, उस दिन इसे डबल रोड प्रोटेस्ट होगा, उसके आगे जो काफिला बढ़ता जाएगा हम कठुआ तक जाएंगे। ये मेरी बात नहीं, सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर मान जाए अच्छी बात है, हमारे लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं मानेगी तो हम इस सरकार को सबक सिखा देंगे भाई लोगों के साथ जुल्म कैसे किया जाता है। जय हिंद जय भारत।